मोटिवेटर मिस्टर सुरेश सेमवाल ने अपने अलग अंदाज में कुछ ऐसी बातें बताई जो शायद कोई भी भूल ना पाए। माइकल जॉर्डन यूज्ड टू से वन थिंग, ही यूज्ड टू से ग्रेट प्लेयर्स एंड ग्रेट पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन। ग्रेट प्लेयर्स एंड ग्रेट पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन, व्हेन नोबडी इज वॉचिंग दे वर्क हार्डर। When nobody is watching, they work harder. आम आदमी का सिंपल तरीका है जी, जब कोई देख रहा हो काम करो, नहीं देख रहा विश्राम करो। And he used to say, you know, when nobody is watching, they work harder. And our actual character is, what do I do when I am not being watched? What am I doing when nobody is looking at me? अब जब कोई देख रहा है, आप में से जो लोग जॉब करते हैं आप तो हाथ नहीं उठाएंगे, पर आप में से जो जॉब करते हैं आपको पता होगा जी, जब तो बॉस है बिजी, बॉस नहीं है काम ही कोई नहीं करता, इज इट नॉट, इसी बात की तो जॉब है और क्या है। विदाउट एफर्ट्स नथिंग कैन बी अचीव, वुड यू एग्री ऑर नॉट? विदाउट एफर्ट्स नथिंग कैन बी अचीव, बट लेट मी जस्ट मेक वन थिंग इन इट, not only efforts, consistent efforts in one direction. Effort to sare kar rahe, khali kaun baitha hai? Effort sare kar rahe, par sir ab ye thodi der kar rahe fir kar bhi kismat kharab hai, pata hai kismat nahi kharab, galat dikha raha pad kar raha hai. Aap mein se kitne log pehle mujhe mil chuke hain, haath khada kar rahe? वेरी गुड, आपको पता है मैंने आपको फॉर्मूला ऑफ सक्सेस बता रखा है, यू हैव टू रिमेन इंटरेस्टेड कमिटेड एंड रिपीटेड, याद है? यू नीड टू रिमेन इंटरेस्टेड कमिटेड एंड रिपीटेड। आम आदमी के साथ दिक्कत ये है, इंटरेस्टेड कहीं और कमिटेड कहीं और फिर रिपीटेड कहीं और, वही वाली हालत है जी, सर की स्टाइल में बताऊं, इश्क कहीं और है, शादी कहीं और है, अब बच्चे कहीं और हो रहे हैं। मैं आपको एक और, इन्होंने जॉब का बताया था, मैं आपको एक और बताता हूं, आप गॉड याद रखो जी, गॉड, गॉड का मतलब होता है गो ऑन ड्यूटी, गो ऑन ड्यूटी। और एक और होता है जी रोटी, रोटी आर ओ टी आई, रोटी स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, इज इट नॉट, यू नो वेयर यू इन्वेस्ट योर टाइम एंड देन व्हाट यू गेट बैक इज कॉल्ड रोटी। सो गो ऑन ड्यूटी एंड माय सजेशन, मेरे को तो दो ही तरीके पता है जीवन में आनंद लेने के, दो ही तरीके हैं। नंबर वन, बेस्ट ऑप्शन इन लाइफ इज डू व्हाट यू लव टू डू, देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन दैट, डू व्हाट यू लव टू डू, वो करो जो करने में आपको आनंद आता है। अब जैसे मिस्टर सचिन तेंदुलकर, ही लव्स क्रिकेट, दैट्स इट, एंड ही इज डूइंग दैट एंड दैट इज व्हाई ही इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी इन दैट। एम एफ हुसैन लव्स नथिंग बट पेंटिंग एंड दैट इज व्हाई वन पेंटिंग 1.5 करोड़, कैन यू इमेजिन, एज पता कितनी गुरुदेव की, 93 साल का आदमी जब पूछी पकड़ता है और जब वो कलर इधर उधर बिखेरता है, अच्छा वही कलर आपके और मेरे पास भी हो सकते हैं, चौन नहीं देगा कोई, डांट और बढ़ेगी, खराब कर दिए उनको वही कलर करने के 1.5 करोड़ वन पेंटिंग, कैन यू इमेजिन। मैं बॉम्बे गया हुआ था जी, अच्छा मेरा ये प्रोफेशन ऐसा है, कई लोग सोचते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल है, हम है नहीं वैसे, बट सम पीपल थिंक दैट वी आर इंटेलेक्चुअल, यू नो। सो वन पर्सन केम टू मी एंड सेड, सेमवाल, there is an exhibition of Mr. M.F. Hussain. Would you like to go and see? Now, he didn't realize I have no clue about art. But now, we are a little bit afraid that maybe we know. I said, yes, yes, let's go. Now, I went. I saw the painting. I was standing for 5 minutes. Now, people are thinking that this is a big art park. कि ये वहां 5 मिनट पे, अब उन्हें क्या पता, मैं सोच रहा हूं कि है क्या है? तो मैं थोड़ी देर खड़ा था, एक और
खादी के कुर्ते उर्ते पहने, ये पहचान है जी इंटेलेक्चुअल की है, वो खादी पहनता हो, तो खादी पहना हो मेरे पास आया, क्यों भाई साहब क्या बात है ना, मैं भी कह रहा क्या बात है कहता वाओ, मैं कहा हाँ वाओ कहता साहब कैसी लगी, मैं सोच रहा हूँ कैसी लगनी चाहिए। अच्छा इससे पहले कि मैं अपने स्टाइल में उस पर कुछ कमेंट देता है, अच्छा वाली दिया, उसने कीमत बताई उस पेंटिंग की 80 लाख। मैं कहा सेवा तू तो मुंह बंद ही रख, क्योंकि तू जितना साल भर में बोलेगा उसके 80 लाख नहीं देते, ये इस पेंटिंग के 80 लाख है, इज इट नॉट नाउ। बट बाय द वे माइकल जॉर्डन ने जो किया सो किया, पर एमएफ हुसैन बाय द वे आपको पता है ना फेमस कितने उम्र के बाद में, 57 साल की उम्र के बाद, 57 साल तक तो कौन सा अपना पोर्ट्रेट नहीं बनाता था 50 रुपए में, पर फिर भी लगे रहे, ही रिमेन्ड इंटरेस्टेड कमिटेड एंड रिपीटेड इन व्हाट ही वाज डूइंग, एंड टुडे 1.5 करोड़, और एक ही व्यक्ति खाली है एक पेंटिंग का 1.5 करोड़, समझ रहे बात जी। So you got to really love, you really, first of all, you should do what you love to do. इससे कोई better option है ही नहीं लाइफ में। मुझे बोलना पसंद है, इसके पैसे मिल जाए इससे कोई बात ही नहीं, बात करो। लेकिन अब मुझे बोलना पसंद है लेकिन मेरे बोलने के कोई पैसे नहीं देता है, तो फिर जिसको करने से पैसे मिलते हैं ना उसको ढंग से कर, क्यों जी? Either you should do what you love to do or love what you do, तीसरा कोई तरीका नहीं है। या तो आप वो करिए जो जो करना आपको पसंद है, या जो करते हैं फिर उसको दिल से करिए। अब दिक्कत वही है ना, देखो फिर वही आप सर ने मुझे ना मोटिवेट कर दिया है। अब मैं आपको क्या, भाई देखो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आपकी शादी उससे हो जाए जिससे आप प्यार करते हो, बेस्ट है। और अगर आप खुशकिस्मत तो बच गए तो फिर जिससे शादी की उससे प्यार करो। अब जो भी आदमी इससे अलावा तीसरा करेगा चित्र खाएगा ना खुश रहेगा ना खुश रहने देगा, इज इट नॉट। तो माय सजेशन, रिमेन इंटरेस्टेड कमिटेड एंड रिपीटेड, एंड देन आई कैन अश्योर यू वॉट एवर यू डू, वेदर दैट इज सेलिंग इंश्योरेंस, वेदर दैट इज पेंटिंग, वेदर दैट इज क्रिकेट, वेदर दैट इज जॉब और एनीथिंग एल्स, बट डू इट विद योर हार्ट। दिल लगाना बड़ा जरूरी है ये काम में। मेरे गुरुदेव मिस्टर प्रमोद बत्रा, उनका एक मंत्र है, वो कहते हैं लगे रहो लगे रहो लगे रहो लेकिन लगन से। हमारे यहां दिक्कत क्या, लोग लगे हुए लगन गायब है, लगन है ही नहीं, लगे हुए क्यों लगे हुए हैं, लोगों ने लगाया हुआ है जी वो सर वाली हालत में, मतलब किसान ने बनाया हुआ है। अभी मैं एक इंस्टीट्यूट गया जी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बुलाया था जी कि हमारे फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जरा एक घंटा मोटिवेट करो जी। मैं करते जी, तो मैं एक इंजीनियर को बुलाया जी फाइनल ईयर का स्टूडेंट, मैं अभी खड़ा हूँ कर रही है सर, मैं कहता तो इंजीनियर बनना क्यों चाहता है जी, ये कैसा सवाल है, मैं कहा तो जवाब पूछ देते सवाल है, मैं क्या बताया इंजीनियर क्यों बनना चाहता है जी, पापा ने कहा था जी मैं कहा तू क्या बनना चाहता है, पॉप सिंगर। अब आप सोचो इस आदमी के बारे में, इसका क्या होगा जिंदगी का, ये पढ़ 5 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग रहा है, बनना इसने पॉप सिंगर है, अब कोई कंपनी इसको हायर भी कर लेगी, इस पॉप सिंगर को हायर करना है इंजीनियरिंग के लिए, ये वहां गाने बजाएगा अब ना तो ये बॉलीवुड के काम का, ना उस कंपनी के काम का, और ना उस पिताजी के काम का जिन्होंने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। इज इट नॉट, यू नो यू गॉट टू रिमेन इंटरेस्टेड कमिटेड एंड रिपीटेड। लेट मी टेल यू इट्स नॉट इजी, हां इट्स नॉट इजी। आज मैं आपको साहब एक नई चीज बताना चाहता हूं, आपने यस और नो में जवाब देना नहीं, आप लोग बड़े जोशीले लोगों, मैं हर बार जानता हूं, तीसरी बार मिल रहा हूं आप लोगों से, जोश में जवाब देना है। दुखी रहने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, वेरी गुड। गरीब रहने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, बहाने बनाने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, दोष लगाने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, किसी की निंदा करने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है,
अच्छा किसी को नेगेटिव फीडबैक दे रहा हो, ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? कोई भी एरा गहरा नथु खेरा किसी को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, इसलिए कोई डिप्लोमा थोड़ी करना होता है। किसी को दे दो, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे दो, एक प्रधानमंत्री, अभी कौन है प्रधानमंत्री? तू है। बड़ा आसान है ना किसी के भी। अब जैसे आजकल एक वो सिंगर बहुत फेमस है जी, क्या नाम है उसका? हिमेश रेशमिया। हिमेश रेशमिया क्या गायक है, कितनी सुपरहिट एल्बम दी है उसने, लेकिन उसको भी लोग नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। यस और नो? दे रहे, दे रहे। क्या बोलते हैं उसको? नाक से गाता है, नाक से गाता है। मैं कह रहा हूं हिमेश रेशमिया हमको पकड़ा दे माइक कि ले कहीं से भी गा। जहां जहां से आपकी आवाज आती है गाओ। एक गाना हिट करके बताओ आप। वो अपने बस का नहीं है, कह नहीं 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 फिर तो तू ही ठीक आता है। इज इट नॉट? यू नो क्रिटिसाइजिंग समबडी इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, ब्लेमिंग समबडी इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, फॉर मेकिंग एक्सक्यूजेस यू डू नॉट नीड एनी स्पेशल डिग्री क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, ये सारे साधारण काम है। गरीब रहने के लिए आपको IIM की डिग्री नहीं चाहिए। कैसे किसी से संबंध खराब किए जाए, कौन से इंस्टीट्यूट से आ रहा है? आजकल सर्वसाधारण बड़ा पीड़ित है इन्फ्लेशन से, रोज महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अब तो क्या करें, कम करो आमदनी बढ़ा ले। नहीं उसमें तो मुझे कुछ करना होगा ना। हम चिदंबरम से रिक्वेस्ट कर लेते, तू काम कर यार। आपको क्या लगता है जी, सचिन तेंदुलकर में फर्क पड़ रहा है इन्फ्लेशन रेट का? है आजकल वो अपने इधर उधर साइकिल से करता होगा आना जाना। अरे साहब ये जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का रोना है, ये सर्वसाधारण का रोना है, और सर्वसाधारण का रोना इन्फ्लेशन रेट नहीं है, सर्वसाधारण का रोना गरीबी है। वो एक ऐड आती थी पीछे इलेक्शन से पहले, एक जवान लड़का अपने घर के बाहर बैठा हुआ है, पत्थर फेंक रहा है, क्यों? मुझे खाली वेले बैठे रहो नहीं करते, पत्थर फेंक रहा है, गुस्से में है। किससे गुस्से में? सरकार से। मुझसे कहा था मुझे नौकरी देंगे, बेवकूफ बनाया, बहुत नुकसान किया, अब लेके मैंने फैसला किया है अब मैं कुछ बदल के रहूंगा। अच्छा अब भी पता क्या बदलने को कह रहा है सरकार? अब उस हीरो को कोई समझाए, तू सरकार है बदले, खुद कोई बदले का? अब दिक्कत क्या है सर्वसाधारण के साथ, ये खुद को बदलने के अलावा सब बदलना चाहते हैं। मौसम बदलो, अरे मौसम थोड़ी बदलेगा भाई, सरकार बदलो, अरे कुछ भी बदलो, जब तक खुद नहीं बदला जीवन में कुछ नहीं बदलना। द फर्स्ट थिंग यू एंड आई गॉट टू वर्क अपॉन इज वी आर सेल्व्स। My suggestion to all of you, take 100% responsibility for yourself. Take 100% responsibility for yourself. What I mean is, whatever you are today, be responsible for that, ki iska zimmedar main hu. Kai log full time kaam hai ji, blame karna. Aur kisi ko nahi, sabse pehle maa baap se shuru karte hai. Inhone maane kiya kya? अब इनको कोई बताया तुझे पैदा किया, मरने नहीं दिया, काम है भाई। आप देखिए कोई भी माता पिता अपनी तरफ से तो कमी नहीं करता, ये सर नो, अपनी तरफ से जो कर पाया उन्होंने कर दिया, अब चू चू क्या कर रहा है? टीचर ठीक नहीं मिले, अच्छा तेरे लिए चांद से मंगवा ले टीचर, सबने उसी से पढ़ा है, तेरी मारी में क्यों करा दे टीचर? वो आपको याद है ना पिछले बताया था, कुछ लोग पैदाइशी परेशान होते हैं, पीपी कैटेगरी के पढ़ाई से परेशान, उनके साथ बचपन से गलत हो रहा है। आप में से जो घर में सबसे बड़ा नहीं है, थोड़ा याद करो अपने बचपन के दिन, जो नंबर सबसे बड़ा नहीं होता वो क्या सोचता है, बचपन से गलत हो रहा है। क्योंकि जब ये बच्चे छोटे होते हैं इनके नए नए कपड़े बड़े काम आते हैं, जो नंबर 2-3 पे है, माँ बाप उनको समझा देते हैं, बेटे ये देखिए जैकेट बिल्कुल सही है, कहीं से फटी नहीं है, छोटा लगता नहीं टांग देती।
जो उससे नहीं ठगी ना वो फटी, वो यहाँ टांग रही है। और ये देख किताब, देख किताब, कहीं लाइनें लगाई बड़े भाई ने, कितना अच्छा भाई है तेरा, ले। तो आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने शादी कर ली है और जिनके बच्चे भी हैं, उनको पता होगा, आप अपने घर में चेक करना, जो सबसे बड़ा बच्चा आपके घर का, उसकी देखना एल्बम की एल्बम भरी है फोटो की, फोटो ही फोटो है। उसके बर्थडे बनाए आपने बहुत लार्ज स्केल पे, सबको बुलाया, रिश्तेदारों को इधर उधर, समझे कि नहीं। अच्छा बाय द वे, जब घर में पहला बच्चा होता है सबसे ज्यादा खुश कौन होता है घर में, ईमानदारी से बताओ? पापा, साइकोलॉजिकली बता रहा हूं, सबसे ज्यादा खुश पापा होता है, यस और नो? कारण आपको पता ना उसका क्या है? पता है आपको? सबसे ज्यादा खुश होता है जी पापा, सर्टिफिकेट मिल गया। अब मैं सीना चौड़ा करके चल सकता हूं। नहीं तो लोग पूछ रहे थे क्या बात है। अच्छा और एक साइकोलॉजिकल रीजन ये भी है, जब घर में पहला बच्चा होता है ना, आप देखो बच्चा एक हुआ है, डेजिग्नेशन सबका इंप्रूव हो जाता है। कोई दादा बन गया फ्री फंड में, है जी, एक दादी बन गई है, एक नाना बन के खुश हो रहा कहीं दूर कि चलो जी मैं भी कुछ कर दिया। कोई चाचा बन गया, कोई बुआ बन गई है, बच्चा एक है, इतने लोग खुश हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसका सेलिब्रेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है कि नहीं। और अब आप देखो जो दूसरा है, अब दूसरा बच्चा हुआ तो अब क्या हुआ, वो पापा पहले बना हुआ है, दादा वो पहले बन चुका है, कोई डेजिग्नेशन चेंज ही नहीं हुआ, ये तो रिपीट ऑर्डर है। तो आप देखना जो दूसरा नंबर का है, उसके जन्मदिन पर ले 11 रुपए हनुमान जी के मंदिर बूंदी चढ़ा दे। तो कई बार ना कुछ लोगों को लगता है, एक्चुअली साइकोलॉजिकली ऐसा होता है, कोई जानबूझ के माता पिता नहीं करते, साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाता है, पर कई लोग ना इसको दिल से लगा लेते कि मेरे साथ तो बचपन से गलत हो रहा है, माँ बाप भी प्यार नहीं करते थे, टीचर भी ना सिर्फ मुझे ही उठा के पीटती थी और किसी से सवाल नहीं पूछती थी, बस मेरे से। अच्छा किसी तरह धक्के खा खू के बड़ा हुआ, एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया, अब वो इतनी अच्छी कंपनी थी उसने रखा ही नहीं। अच्छा जिस कंपनी ने रख लिया ये कंपनी अच्छी नहीं। अच्छा जो हमें अच्छी लगती थी शादी करने के लिए उसे हम नहीं अच्छे लगे, जिससे हो गई वो हमें नहीं अच्छी लगती। इंटेलिजेंट बच्चे कहीं और पैदा हो रहे, हमारे यहां छांट छांट के हो रहे नलायक। तो कईयों की ना सुई अटकी हुई कि मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है, वेयर एज गलत कुछ हो नहीं रहा, ये बचपन से ना ब्लेम कर रहे हैं, ये बचपन से इधर उधर उंगली कर रहे हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, एंड दे आर नॉट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम सेल्व्स। माय सजेशन, इफ यू वी रियली वांट टू थ्राइव इन आवर लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल, थ्राइव, इफ वी रियली वांट टू थ्राइव, व्हाट डू वी वांट, बाय द वे व्हाट डू वी वांट टू डू, सर्वाइव और थ्राइव, क्या चाहते हो? थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, तरक्की करना, समृद्धि, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, क्या चाहते हो जी? सर्वाइवल और थ्राइव। तो अगर थ्राइव चाहते हो ना साहब, तो उसके लिए ना कुछ चीजें अनकॉमन है जो करनी होती हैं। जैसे हम जब पैदा हुए थे ना साहब, सांस लेना हमने किसी कोचिंग सेंटर में नहीं सीखा, वो हमको नेचुरली आता था, यस और नो? लेकिन कपड़े पहनना सीखा है, ये अननेचुरल है। अब आप एक अनकॉमन चीज सुनने वाले, ध्यान से सुनो, हवाई जहाज बनाना नेचुरल काम है, अननेचुरल है? कपड़े पहनना अननेचुरल है? देखो कोई बाहर पहन रखे जानवरों ने, फ्री घूम रहे, हमें देखो गर्मी में भी कोट, ये अननेचुरल है, ये अननेचुरल है। खाने को पका के खाना अननेचुरल है, क्यों था? पानी पे जहाज का चलना कह दिए, ये अननेचुरल सोच का नतीजा है।
सेहत खराब हो जाना बड़ा नेचुरल है, लेकिन सेहत को फिर ठीक करना बड़ा अननेचुरल है। अगर आप थ्राइव करना चाहते हैं, यू गॉट टू थिंक अनकॉमन। अब जब एक आदमी ने कहा जी हम हवाई जहाज ऐसी चीज बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी, आपको क्या लगता है आम आदमी ने क्या कहा होगा? वेरी गुड, पागल हो गया क्या? हवा में उड़ेगा वो भी लोहा? आवाज जो वो ऐसे करते होंगे वो शुक्र है नहीं। क्यों? आने वाले टाइम में आप देखना जो हमारी आगे की पीढ़ी है ना, वो हम पे हंसा करेगी। क्यों? हमें 1 घंटा 40 मिनट लगता है दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट से जाने में, 1 घंटा 40 मिनट, और उसमें हम बड़े खुश होते हैं कि 1 घंटे 40 मिनट में देखो 1200 किलोमीटर पहुंच गए। आज से 50-60 साल बाद देख लेना, बच्चे हंसा करेंगे जब अपने दादों की बात सुना करेंगे, ओहे 1 घंटा 40 मिनट लगता था आपको दिल्ली से बॉम्बे? क्यों? और वो भी भाई है, एक ट्रेन पे काम चल रहा है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक ट्रेन पे काम चल रहा है जो यूएसए टू लंदन, 18 मिनट्स, 2500 किलोमीटर, कितना जी? 18 मिनट में 2500 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब आप और मैं तो ये कभी सोचते भी नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर आपको पता ही है हमारी स्लेट है, जैसे वो कह रहे थे, सही कह रहे थे, एंटीवायरस। ओ हमारे को एंटीवायरस तो हम सर तब चलाए ना, हमें पता हो वायरस है, हमें तो ये वायरस भी ठीक ही लगता है, क्यों था? मजाक नहीं, अब तो आदत सी हो गई। आम आदमी की हालत पता कैसी है जी? एक कुर्सी पड़ी है, कुर्सी पे बैठा, और सपोज उस कुर्सी में कील है, चुभ गई, क्या चलो अब तो चुभी गई, कम से कम आज तो बैठो पूरा वसूल करो। और अगले दिन भी फिर वही बैठेगा, बस एक चीज का ध्यान रखो कि वही पैंट पहन के आओ जो कल पहनी थी, ताकि और पेंटें खराब ना हो, और उधर ही बैठो जहां कल छेद हुआ था ना, वही वही। और अब इतने दिनों से बैठ रहे हैं जी, अब तो दर्द भी नहीं होता जी, अब तो सॉकेट बन गया साहब, अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। और हुआ क्या है, हमारे जो सॉफ्टवेयर बनाया गया ना जी, देखिए आप सब जानते हैं क्योंकि आप मुझसे पहले मिले हैं, मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर वाइज यानी बॉडी वाइज हम सब सेम हैं, सबकी 2-2 किडनी, 2 आँख, कान नाक, सब ऊपर वाले ने बराबर दिया है, हार्डवेयर वाइज हम सब सेम हैं, लेकिन हमें जो डिफरेंट बनाता है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी मेंटालिटी, ये जो हमारी सोच है। और देखिए टेक्निकली स्पीकिंग जब बच्चा दुनिया में आता है ना जी, उसके पास सॉफ्टवेयर थोड़ी होता है, सॉफ्टवेयर तो बाद में उसके लोड करते हैं, नहीं सबसे पहले माता पिता लोड करते हैं, उसको बताया जाता है बेटे ये तेरी मम्मी और सिर्फ यही पापा है। और ये तेरे अंकल, जो जो कुछ ना समझ में आए उसको अंकल कह दिया कर, तू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तू ब्राह्मण है, तू ये है, लाना है धमकाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर में फीड की गई है, और हम सब अपने अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से सोचते हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू डील विद पीपल, एंड टू डील विद पीपल इफेक्टिवली, टू विन विद पीपल, द फर्स्ट थिंग वी गॉट टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू विन ओवर आवरसेल्व्स। अगर आपने लोगों के साथ जीतना है तो सबसे पहला जिसको आपको जीतना होगा वो कौन है जी? खुद, जो खुद ही हारा हुआ है वो बेच आया जाके पॉलिसी। कई लोगों को आपको पता ना जी, उनका हर 24 घंटे मुहर्रम चलता रहता है जी, मुहर्रम मतलब पीड़ित, बचपन से गलत हो रहा है। अच्छा कईयों की सबसे बड़ी शिकायत है मैं गलत देश में पैदा हो गया हूँ, मैं अमेरिका में होता ना तो उसका भी कुंडा ही करना था तूने। तो कई लोग ना लगातार यू नो दे कीप कर्सिंग देमसेल्व्स, एंड माय सजेशन इज बिहेव लाइक अ विनर, एंड टू बिहेव लाइक अ विनर आपको कुछ चीजों पे ना क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आज आप सबसे पहले तो एक नेचुरल लॉ समझिए, नेचुरल लॉ। देखिए कुछ प्राकृतिक नियम ना हम सबके जीवन में काम कर रहे हैं, यस और नो? कुछ प्राकृतिक नियम काम कर रहे नहीं कर रहे? जैसे एक प्राकृतिक नियम है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखिए जो भी चीज ऊपर उछाली जाए वो नीचे आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम उस पर काम कर रहा है। ये नियम किसने पता लगाया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम
सर आइजैक न्यूटन। अब लेकिन एक बात आपको ध्यान होगी, सर आइजैक न्यूटन ने ये नियम पता लगाया था, नियम काम पहले से कर रहा था, ये नहीं कि उन्होंने इजाद किया इसको, कुछ चीजें पहले भी नीचे गिर रही थी, समझ गए, और जब से इजाद किया है तब भी नीचे गिर रही है, ये नहीं कि अब तो पता चल गया तो कुछ चेंज हो गया उसमें। Why? Because it's a natural law. ये एक प्राकृतिक नियम है, एक निर्धारित ऊंचाई तक जो चीज उछाली जाएगी वो पक्का नीचे आएगी, समझ गए साहब। हम सबके शरीर में दो दो किडनी हैं, होपफुली है ना किसी को डॉक्टर अमित तो नहीं मिल गया क्या किडनी का काम क्या होता है? खून साफ करना। हमारी किडनी एक मिनट में कितना लीटर खून साफ करती है? थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे 2 लीटर, 2 लीटर खून साफ करती है जी हमारी किडनी हर मिनट। अब ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर की किडनी 3 लीटर कर रही होगी और आपकी 1 ही लीटर कर रही होगी, ये नेचुरल लॉ है, ये प्राकृतिक नियम है, ये हम सब पर बराबर रूप से काम करता है। क्लियर है? यस और नो? आपका हाथ हो, मेरा हाथ हो, प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, चाहे यूएसए के राष्ट्रपति का हो, आग में डाल दो। अब ये तो नहीं कि आग अमेरिका के राष्ट्रपति को, कि सर ओ आपने लगता गलती से डाल दिया, निकाल लो। व्हाई? इट्स अ नेचुरल लॉ, इट्स अ नेचुरल लॉ। नाउ सिमिलरली देयर इज वन मोर नेचुरल लॉ विच इज वर्किंग इन आवर लाइफ एवरी डे। नाउ वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। आप इसके बारे में जानते हो अच्छी बात है, ना जानते हो कोई बात नहीं, काम तो ये कर रहा है। जैसे आपका दिल 1600 लीटर खून पंप करता है 1 घंटे में, 1600 लीटर, अब आपको नहीं भी पता था फिर भी कर रहा है, घबराने की बात नहीं। क्यों? अब आपको आज ये जानकारी होगी ये 1700 नहीं कर देगा, कि आप इसको शाबाशी तो शाबाश शाबाश 1600 करता था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं ऐसे ही अपने आप को पीड़ित समझ रहा था, क्यों था? तो अब ये क्या है? प्राकृतिक नियम है। इसी तरह इस वक्त इस कमरे में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स, कुछ विद्युत तरंगें, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक तरंगें मौजूद हैं। यस और नो? थोड़ा ऊंचा बोलो भाई। अब आपने यस तो कहा, दिख तो रही नहीं। अगर साबित करना हो इस कमरे में बहुत सारी विद्युत तरंगें, मैग्नेटिक वेव्स, ध्वनि की तरंगें मौजूद हैं, तो कैसे कर सकते हैं साबित? मोबाइल, मोबाइल पे FM है आपके, आजकल सिग्नल आ रहे हैं तो मतलब कोई तरंगें आ रही है ना। आप अपने मोबाइल पे ट्यून करो जी, FM लगाओ 92.7। 92.7 क्या है? फ्रीक्वेंसी है, वंडरफुल। जैसे ही आपने अपने मोबाइल फोन पे 92.7 किया, बम, कुछ गाना बजना शुरू हो जाएगा। अब वो गाना क्यों बजा? क्योंकि उसकी तरंगें आसपास मौजूद थी, इस इंस्ट्रूमेंट ने उसको सिर्फ कैच किया, लेकिन उसको कैच करने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी पे होना जरूरी था। तो अब आपके FM ने आसपास कैच किया। अब सपोज वो सैड सॉन्ग है, दुख भरा गाना, और आपको पसंद नहीं है, तो आपने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? फ्रीक्वेंसी। अब वो दुख भरा गाना अभी भी मौजूद है वातावरण में, पर आपकी तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी क्या कर ली? चेंज कर ली। अब आपकी तरफ दूसरा गाना आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह आपके और मेरे पास एक ताकत है जो ऊपर वाले ने दे रखी है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकार में है, और वो है विचारों की ताकत। आप कितना ही अच्छा सोच सकते हैं, उस पर कोई वैट नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, TDS नहीं है, कुछ भी अच्छा सोच लो। अच्छा कुछ बुरा सोच लो, उस पर पनिशमेंट नहीं है, नहीं। आप पॉजिटिव सोचो टैक्स नहीं है, नेगेटिव सोचो पनिशमेंट नहीं है। और दिक्कत यह है, नेगेटिव थिंकिंग इज नेचुरल, ये सीखनी नहीं होती, पॉजिटिव थिंकिंग यू नीड टू लर्न, ये अपने आप नहीं होती। नेगेटिव थिंकिंग इज वेरी वेरी नेचुरल, ये हमारे में बचपन से है, शक करने की आदत, गिरने का डर, इधर उधर का डर, आवाज का डर, हमें हर वक्त जहां कुछ आवाज थे लगता बम ही फटा है। क्यों? अगर अभी बाहर भ्रम हो, पहला ध्यान क्या आएगा? बम। ये नहीं कि किसी शादी हो सकती है, वहां सेलिब्रेशन हो सकता है जी, क्यों सर, कोई वैसी स्पार्क हो सकता है ना, बम फटा होगा जी। नेगेटिव सोचने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, ये बड़ा नेचुरल है, समझ गया कि नहीं? आप सुनिए, आप जिस तरह के थिंकिंग, जिस तरह के थॉट्स जनरेट करते हो, जिस क्वालिटी के, आप उसी क्वालिटी की घटनाएं, व्यक्ति और परिस्थितियां अपने जीवन में आकर्षित करते हो। वी अट्रैक्ट पीपल
things and situation in our life by consistently thinking at particular level. अब लोगों को क्या है, बचपन से नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत हो रखी है और बार बार फिर उनके साथ होता भी गलत है. वो कहते देखा मैं तो कह ही रहा हूं मेरे से गलती होता है, और वो होता ही इसलिए वो बार बार नेगेटिव सोचते हैं. अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं. इसको मैंने अपने हिंदुस्तानी स्टाइल में ऐसे समझा हुआ है कि देखो इंडिया में कम से कम 100 भाषा बोली जाती होंगी, यस और नो, राइट? और भगवान कितना है जी? गॉड इज वन. दुनिया में कम से कम 1000 भाषा बोली जाती होगी, यस और नो, एंड गॉड इज स्टिल. कितनी भाषा समझेगा वो? कितने इंटरप्रेटर रखेगा? कितनी भाषा? अब आप सोचो कहीं चाइनीज अपनी भाषा में वो सर्वाइव कर रहा है, वहां जापानी लगा हुआ है, वहां श्रीलंका का लगा हुआ है, इंडिया का लगा, वो कितनी समझेगा गॉड? मेरे हिसाब से ना गॉड को ना भाषा समझने की जरूरत है, ना इंटरप्रेटर रखने की जरूरत है. गॉड का बड़ा सिंपल काम है जी, आप कुछ भी कहते हो, जिस फ्रीक्वेंसी का आप सोचते हो, गॉड का एक ही काम है, तथास्तु. आप सोचो, आप लोगों से आप हाल पूछो, क्या हाल है? कट रही है, तथास्तु, तेरी कटती रहेगी. अब अजी मैं तो गरीब आदमी, गरीब ही रहेगा तू, मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है, आगे भी गलती होगा. अच्छा, कई लोगों की ये कंप्लेंट है, लोग ना मुझे समझ नहीं पा रहे, लोग ना मुझे समझ नहीं पा रहे. मैं कहता हूँ जो पाइथागोरस की थ्योरम है, तेरे को समझ नहीं पा रहे, और लोगों ने ठेका लिया आपको समझने का, आप क्यों नहीं समझ लेते लोगों को? पन्ना, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा. ले तथा तू, जहां मैं जाता हूं ना पॉलिसी दिखाने, वहां पहले ही कोई गया होता है. क्यों नहीं? ये प्लान तो बिक ही नहीं सकता. तथा तू, तेरे से नहीं बिकेगा. और आप देखिए, इतना नेगेटिव बोलते हैं लोग और फिर इतना तथास्तु उनके जीवन में हो रहा है. एक सज्जन मुझे मिले, एज यूजुअल अपनी पत्नी से पीड़ित थे. कह रहे जी मैं अपनी बीवी से बड़ा तंग हूं. मैं क्या कोई नई गाल कर यार, मैं सारी कहता नहीं नहीं आप मजाक में ले रहे हो. और मैं कहा यार तू, मेरी भी हो रखी शादी, मुझे क्या बता रहा है. मैं कहा मैं दिखता खुश हूं, ठीक है. हाँ, कहता जी मैं अपनी मिसी से तंग हूँ. मैं कहा सारे ही अपनी से तंग है, दूसरी से तो खुश है साहब. और कहता जी आप मेरी बात सुनो तो सही. और मैं कहा अच्छा सुना. कहता जी मेरी मिसिस बड़ी झगड़ालू है जी. मैं कहा अच्छा फिर. कह जी बहुत झगड़ा करती है जी, उसका एक ही काम है जी, जब देखो किसी ना किसी बात पे झगड़ा चालू, कुछ ना कुछ बात. कहता जी मैं टीवी देखूं तो कहती सारा दिन टीवी देखते हो, मैं नहीं देखूं तो कहती आज क्या कर रहे हो जो टीवी नहीं देख रहे तो. कहता मैं अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने चले जाऊं, क्या वेले और क्या करोगे, ना जाऊं तो कहते इतना भी नहीं कर सकते. कहते अगर मैं कह दूं खाने में नमक कम है, कहते खुद बना लो. अगर तारीफ कर दूं मैंने बनाया तो. अब कहता जी मैं तो बस परेशान हो गया जी, मैं तो 8 साल से झेल रहा हूं साहब. तो मैं कहा अच्छा वैसे आप करते क्या हो, लेकिन जब 8 साल तो आपने हो ही गए तो क्या करते हो थोड़ी बहुत सुलह रखने के लिए? कह जी मेरे पास एक ही तरीका है जी, जितना हो सके घर देर से जाओ, ये रामबाण है जी. जितना हो सके घर देर से जाओ, जितना देर से जाओ उतनी कम देर झगड़ा होता है जी. तो मैं कहा अच्छा जी मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ. कहते जी कोई तरीका है कि थोड़ा ठीक हो जाए. मैं कहा है. कह जी क्या है? मैं कहा देखो कारण ये है, आप अपनी मिसेज के बारे में ना बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत नेगेटिव विचार आपके दिमाग में हैं, और आप इतना नेगेटिव सोचते हो अपनी मिसेज के बारे में फिर वो तथास्तु होता है. मैं कहा आप एक काम करो, अगले 21 दिन मेरे कहने से अपनी मिसेज के बारे में ना अच्छा सोचो. भाई देखो आपके कपड़ों का ध्यान रखती हैं, आपकी सेहत का ध्यान रखती हैं, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखती हैं, घर साफ सुथरा रखती हैं, कितने सारे काम वो आपके लिए कर रही हैं, कुछ तो अच्छी क्वालिटीज हैं, उनके बारे में सोचिए. थिंक पॉजिटिव अबाउट हर 21 दिन लगातार. मैं कहा किसी को कहने की जरूरत नहीं, आप सोच रहे हो, सोचो अंदर 21 दिन लगातार, और फिर देखो जी आप 22वें दिन से क्या चेंज होता है. तो पता क्या कह रहा है,
मिस्टर सेमवाल आप कह रहे हो तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो मुझे पता ऐसा होगा नहीं कुछ। अब दिक्कत क्या है ऐसे आदमी के साथ, सपोज 5 दिन हो गए और आज ये घर गया और आज मिसेज ने कुछ नहीं कहा, चुप है, शांत मुस्कुरा रही है, आराम से अपने काम में मस्त हैं, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ रही, 1 घंटा हो गया कुछ नहीं हुआ आज, तो अब ये छेड़ देगा जाके कि क्या बात है आज तेरी चोंच बड़ी बंद है। और फिर वो शुरू हो जाएगी, फिर क्या कहा, देखा मैं तो पहले कह रहा था। सेमवाल को क्या पता हमारे घर का इज इट नॉट, तो ये फिर तथास्तु हो रहा है। अब जैसे आप एक चीज ध्यान से बताओ, आप में से किसी आदमी ने मर्सिडीज कार के बम्पर पे ये लिखा देखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कभी देखा है? कोरोला पे, ये सब कहां देखोगे आप, ट्रक पे, बस पे, ऑटो पे, टेम्पू पे, रिक्शे पे, नहीं? अब ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोगों का रिक्शे का देख को मन करता है कि काश रिक्शा मेरा होता है? हमको नजर ही लगानी है, मर्सिडीज को ना लगाएं, और तेरा रिक्शा ही रह गया नजर लगाने को, और जूती टांग के घूम रहा रिक्शे पे, अबे देख कौन रहा है रिक्शे को? अब ये रिक्शे वाला क्या ये सोचता है इस फ्रीक्वेंसी का है, अभी तथास्तु, और इसी का पंचर मिलेगा आपको, इसी का रिम टेढ़ा मिलेगा, इसी का चलान पुलिस वाला करेगा, डंडे भी इसी को पड़ने हैं, और जूती भी इसी लटका रखी है। आप देखो हमारे यहाँ तो अजीब अजीब रिवाज हैं, छोटे बच्चों को काले टीके लगाए जाते हैं जी, देखा आपने, छोटे बच्चों को नजर से बचाने के लिए। और एक चीज आपने नोटिस की है, बच्चे का खुद का रंग चाहे कैसा ही हो, टीका काला ही लगना है। कईयों को तो मैं कहता हूँ इसको आटे का लगाओ यार, थोड़ा कंट्रास्ट नजर तो आए। इनको नजर बड़ी लग रही है, मजाक नहीं कर रहा, आज ये जो टाई वाई पहन के आए हैं इनको घर पे कहोगे थोड़ा काला टीका लगा लो। हाँ कहीं आपको नजर ना लग जाए, वो शाहरुख खान अपने सारा दिखा रहा है, वो ये खोल खोल के कि देखो उसको नहीं लग रही नजर, उसके 6 ऐब्स हैं पता ना आपको, 6 ऐब्स, हमारा ऐब है ऐब, और इस पे भी नजर लगती है। और अब क्योंकि हम इस लेवल का सोचते हैं होता भी है। एक बड़ा गरीब आदमी है जी, आपने नाम सुना होगा उसका, मुकेश अंबानी, सुना नाम, अपने लिए बड़ा छोटा सा घर बना रहा है जी, वो सिर्फ 27 मंजिल का, खर्चा सिर्फ 8,000 करोड़, सिर्फ घर में सदस्य 6, 2 फ्लोर पे खाली पार्किंग होनी है, 1 फ्लोर पे स्विमिंग पूल और जिमनेशियम, 3 हेलीकॉप्टर उतर सकते उसके घर पे, सिर्फ 8,000 करोड़ का खर्चा, उसको नहीं लगनी नजर, भैया झुग्गियों पे हांडी लगी हुई है, बुरी नजर वाले से बचने के लिए, अबे तुम्हें देख कौन रहा है? नहीं वो बड़ा सोचते नहीं, हमें बचपन से सिखाया गया कि हमारी स्लेट पे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और तेरे पास पहले ही थोड़ा है, और फिर थोड़े की जरूरत है। अच्छा ऊपर वाले से मांगते भी क्या है, दाल रोटी चला दे बस, ऊपर वाला कहता था तू दाल रोटी चलेगी, मक्खन कभी नहीं होगा, इज इट नॉट। मैं आपको आज एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ओलंपिक्स में जो ये तीरंदाज होते हैं ना, तीरंदाज जो उसका निशाना है ना, सटीक निशाना जहां वो मारना चाहता है, जब वो निशाना लेता है ना, हमेशा उससे थोड़ा ऊपर लेता है, क्यों? क्योंकि जब तक तीर छूट के निशाने तक जाएगा तब तक ग्रेविटी भी काम करती है ना, तो थोड़ा तो नीचे आएगा ही वो वहां जाते जाते, और खट निशाने पे लगता है। तो यानी आस्क फॉर मोर, आस्क फॉर मोर, लाइफ से ज्यादा मांगो, हम तो मांगते ही कम है, दाल रोटी दे दो तथास्तु, बस किसी तरह से गुजारा हो जाए, ले तथास्तु गुजारा तेरा होता रहेगा। देखिए मैं तो ये कहता हूं जी, आप में से कितने लोग साहब ईश्वर पर यकीन करते हैं, हाथ खड़ा करें, किसी भी फॉर्म में सब लोग यकीन करते हैं, आप लोग मानते नहीं वो बड़ा पावरफुल है, आप ये भी मानते जी उसके पास अथाह है जी, अथाह अबंडेंस, और एक बात देखो ऊपर वाले ने ना साहब बड़ा अथाह है उसके पास हर चीज, और कंजूस नहीं है बिल्कुल नहीं। तारे देखे, तारे रात को आप देखते हो तारे, एक एक तारे का साइज
सूर्य से भी लाख गुना बड़े तारे हैं वो, और इतने बड़े बड़े साइज की चीज एक दो नहीं बना रखी, गिन नहीं सकते जितने बना रखे। सोच के देखो आप, ये एक पृथ्वी जिस पर हम इतने उछल रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने बना के फेंके उसने गैलेक्सी में, जिनका हमें पता ही कुछ नहीं है। ऑक्सीजन देखो कितनी जनसंख्या हो जाए, सप्लाई में कमी नहीं हो रही। हो बिल आ रहे आपके पास, खींचे जा रहे हो इतने हैं क्या था? हर चीज में अबंडेंस है, और वो कंजूस है नहीं, देने को तैयार है, हम मांगते ही नहीं। मेरा तो ये मानना है जी, ऊपर वाले के पास देने के लिए समुंदर है, अथाह है, अथाह, जो चाहे ले जाओ। फर्क सिर्फ ये है, आप और मैं जब मांगने जाते हैं ना, ये चम्मच लेके जाते हैं कि ये भर दोगे, वो भी कहता हूं देख क्या लेके आए। अच्छा कैसा लगेगा जी आपको, एक आदमी जगराते की पर्ची कटवा रहा हो मुकेश अंबानी से 51 रुपए की, कि सर प्लीज 51 रुपए जागरण करा रहे जी, आपसे 51 रुपए बनता है, कैसा लगेगा आपको कि अबे अंबानी से 51 रुपए की पर्ची कटवा रहा है? और जिसकी बातें हम कर रहे हैं साहब, अरे वो तो अंबानियों का अंबानी है, गेट्स का गेट्स है, क्यों साहब? और हम उससे भी मांगने में कंजूसी करते हैं, नहीं पता क्यों, हमारे सॉफ्टवेयर में बचपन से एक चीज गलत डाल दी गई है पैसे के प्रति, कि पैसा बुरी चीज है। मेरे हिसाब से पैसा बुरी चीज नहीं है, इसका दुरुपयोग करे तो बात अलग है, इज इट नॉट? मेरी सजेशन आपको ये है, आप में से जितने लोग अमीर बनना चाहते हैं, कभी भी जो आदमी अमीर है ना उसकी निंदा ना करें। हमारे सोसाइटी में बचपन से सिखाया गया जो अमीर है ना उसकी निंदा कर लो पीछे बैठ के, नंबर 2 की कमाई है पक्का पक्का, ऐसे थोड़ी आती है इतनी बड़ी गाड़ी। अपने बच्चों को समझा रहे हो, देख बेटे ईमानदार पापा देख, हाँ ईमानदारी बेटे ईमानदारी, ले तो था तू गाड़ी नहीं आएगी। अब गाड़ी लेने में तो फिर गिल्ट फीलिंग होगी ना, अब इनको समझ नहीं आता, टाइम चेंज हो गया है, कमाई के तरीके चेंज हो गए हैं। आज आप 2008 में जी रहे हो, आज गाड़ी होना कोई 2 नंबर की कमाई का सबूत थोड़ी है। पर वो सॉफ्टवेयर में पहले यहाँ चेंज करने की बड़ी जरूरत है। और देखिए, लाइफ पीपल और कस्टमर्स, लाइफ पीपल और कस्टमर्स, दे आर नेवर गोइंग टू गिव यू मोर देन यू आस्क फॉर। जिंदगी, ग्राहक और लोग, ये आपको कभी भी जितना आप मांगोगे ना जी उससे ज्यादा कभी नहीं देंगे, होगा तो कम ही देंगे, ज्यादा कभी नहीं देंगे, आस्क फॉर मोर। मेरी सजेशन आपको ये है, इन द प्रोफेशन ऑफ सेल्स, वन मिस्टेक विच पीपल कमिट, दे डू नॉट आस्क फॉर इट, वो अज्यूम कर लेते हैं, इसकी देखी उसकी पर्सनैलिटी देखी, ये कहाँ रहन दे, या कोई देखी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, ओ मैं कहाँ रहन दे। अभी इन्होंने सही बताया था, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स विच यू नेवर टेक। और मैं आपको गोल्डन मंत्रा बता रहा हूं आज, अगर आप सिर्फ इतना ही कर लो ना जी, काम हो गया। एक आदत डाल लो आप आज से, आस्क, डिमांड करने को नहीं कह रहा, आस्क में और डिमांड में फर्क है। आस्क का मतलब होता है पूछ के देख लो, पूछ के देख लो ना, हम पूछते ही नहीं है, अपने आप को खुद ही समझा लेंगे नहीं होगा ये काम, पूछ के देख लो। शताब्दी में सफर करते हो आप लोग, यस और नो? शताब्दी में चाय पानी मिलता है? एक बार एक राउंड का मिलता है। एक काम करो मेरे कहने से, किसी दिन ना दूसरी बारी का पूछ के देख लो, फट मिलेगा। अभी मैं ग्वालियर जा रहा था जी पुंज लॉयड के लिए प्रोग्राम करने, सुबह की शताब्दी से, तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे। अब सुबह 6 बजे की अगर ट्रेन पकड़नी हो तो 4 बजे उठना होता है, तो थोड़ा 4 बजे का उठा हुआ था, तो मैं कहा यार दूसरी चाय पीने का मन कर रहा है, मैंने अपने पड़ोसियों का, मैं कहा यार चाय पियोगे? कह रहे भाई साहब एक तो आ चुकी है। मैं कहा पीनी नहीं पीनी ये बता। कह रहे जी रेलवे का सिस्टम है, एक बार आती। मैं कहा तू भाषण देना, काम हमारा भाषण देने का, हमें दे रहा है। पर खैर जहाँ मुझे पैसे नहीं मिलते वहाँ नहीं बोलता मैं। मैं कहा ठीक है चुप रहे तू। हमने रिक्वेस्ट, मैं कहा भाई इधर सुन यार, मैं कहा यार एक चाय पिला सकता है? कह रहा जी अभी लाया जी, बोले मैंने उसको मैं पिएगा? कह रहा नहीं मेरा मन नहीं। और पूछ के देख लो, आप बाई एयर ट्रेवल करो जी, इकोनॉमी क्लास का आपके पास टिकट है, जाओ काउंटर पे, आपके लिए कह रहा हूँ, जाओ काउंटर पे, बोलो काउंटर पे जो मैडम है, मैडम बिजनेस क्लास में ट्रांसफर कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देगी? तो इकोनॉमी की तो देगी, हाँ तो है ही हमारे पास, नुकसान क्या हुआ? वेन एवर यू विल आस्क यू विल ऑलवेज गेन समथिंग, यू आर नेवर अ लूजर। पूछ के देख लो, पूछ के तो देखो, हम पूछते ही नहीं, क्यों? हमें खुद ही पता है जी, अरे हमारी किस्मत में ये कहा ले तो ताज तू, तो तुमने कहा है? नहीं है नहीं है नहीं है, ले तो ताज तू। सो माई सजेशन, आस्क फॉर इट, पूछ के देख लो जी,
पूछ के देख लो. एंड आई एम श्योर आप में से कितने लोग कॉलेज गए हैं. वाह, आपको अपने कॉलेज की याद ताजा कराता हूँ जी. मैं अपना बताता हूँ. कॉलेज में जब मैं था जी, आप ही की तरह ही था जी. ये वैसी सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं कॉलेज में लड़कों के. हमारे कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत लड़की का एडमिशन हुआ. बहुत सुंदर लड़की, बिल्कुल एक्ट्रेस लगती थी वो. अब वो इतनी सुंदर थी कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कभी कि उसको कहें जी कि हमसे दोस्ती कर लो, हम भी आपके कॉलेज में पढ़ते. क्यों इतनी सुंदर, हम खुद ही अपने को समझाए थे तेरे को कहाँ इसके पहले ही बहुत दोस्त होंगे, और खुद ही समझा लेते थे है? और बस दूर दूर से देख देख के खुश हो लो है. हमें हैरानी तब हुई 10 दिन के बाद, हमारे ही बैच का एक लड़का जिसको हम सबसे लल्लू समझते थे उसके साथ घूमते फिरते देखी गई. बड़ा गुस्सा आया हमें अपने आप पे, पर फिर भी वो इतनी सुंदर थी, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं हुई. तो 5-6 लड़के मिलके गए, अकेले फिर नहीं गए, 5-6 लड़के मिलके गए जी. मैं कहा जी एक्सक्यूज मी, कहती हाँ जी. मैं कहा जी हम भी आपके कॉलेज में पढ़ते हैं. कहती हाँ मुझे पता है. मैं कहा जी आपको कैसे पता है. कहती आप दूर दूर से देखते हो मुझे पता है. मैं कहा अच्छा. मैं कहा जी हम सिर्फ एक चीज़ पूछने आए जी. कहती पूछो. मैं कहा देखो ईमानदारी की बात है, अब तो आपको ही पता चल गया है हम काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं आपसे दोस्ती करने की, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी जी क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं. हमने सोचा जी आप हमारे साथ कहाँ दोस्ती करेंगी. मैं कहा लेकिन हमें दिक्कत सिर्फ इस बात की है, इसमें क्या देखा आपने. हमने कहा जी इससे तो बेटर है हम, बस ये बता दो इसमें क्या देखा. और उस दिन हमें सबक मिला था जी आस्क वाला. उसने कहा देखो जी आप में क्या है, इनमें क्या है मुझे नहीं पता. मुझे कॉलेज आए हुए हफ्ता हो गया है, कोई मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा. ये इकलौता ही आया था जब और कोई आया ही नहीं तो यही सही है. क्यों नहीं, मेरी सलाह मानो आप. जितने आपने अंदाजे लगा रखे हैं ना कि इन इन लोगों ने तो पक्का पॉलिसी ले रखी है और ये तो अब आगे कराएंगे ही नहीं, मेरी सलाह मान के एक बारी चले जाओ. पूछ के देख लो ना, बता दो. जैसे अभी सही तो कह रहे थे कि बता दो, डोंट अज्यूम. देखिए जापानीज़ एक कंपनी है टोयोटा. टोयोटा कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 है इन कार मेकिंग. टोयोटा कंपनी का एक प्रिंसिपल है जिसको वो फॉलो करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में भी, और आप भी अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं. वो क्या कहते हैं, डू नॉट अज्यूम वेरीफाई. डू नॉट अज्यूम वेरीफाई. आपका काम अज्यूम करने का नहीं है कि हाँ ऐसा ही हो रखा होगा. सेल्स वाले का काम है जी वेरीफाई कर लो. आज अगर किसी ने पॉलिसी करा भी रखी है फिर भी मैं तो कह रहा हूं उसके टच में रहो. क्यों, ईमानदारी की बात, आप लोगों का मुझे नहीं पता आप कैसी सर्विस देते हो. आज भी लोग सर्विस ठीक नहीं दे रहे, वो चिपका देते. अभी भी वो चिपकाने वाली मेंटेलिटी है. मैं उसको पॉलिसी चिपका आया, और मैं आपको पिछली बार भी कहा था ये चिपकाओ शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करना जी. देन यू आर चीटिंग योर कस्टमर इज इट नॉट. एक ने आप पे और भरोसा किया और आप उसके पीठ पीछे हंस रहे हो उस पे. वो भी उसको मैंने वो चिपका दी, उसको पता भी नहीं चला क्या रहा. अब ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ह्यूज, उनके लिए मैं प्रोग्राम कर रहा था सेल्स वालों के लिए. तो वहाँ एक बड़ा फन्ने का सेल्स वाला, एक तो ना सेल्स वाले बड़े मुगालते हुए रहते कई बार. इनको लगता है सेल्स का काम गंजे को कंघी बेचना है. और मैं 36 बार समझाया ये सेलिंग नहीं है. सेलिंग किसको कहते हैं, सेलिंग कहते हैं उसको जब आपने एक जगह कहीं अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेची और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपका रिलेशनशिप बन गया उस आदमी के साथ. देन यू हैव डन सेलिंग. अब आपने एक ऐसी सेलिंग की कि दोबारा उसको मुंह नहीं दिखा सकते, आपने चीटिंग की है, सेलिंग नहीं की. इज इट, वुड यू अग्री और नॉट, राइट? तो सेलिंग मींस मेकिंग लाइफ टाइम रिलेशनशिप विद द कस्टमर. अब आपने अगर गंजे को कंघी बेची उसके मोहल्ले में भी नहीं जा सकते दोबारा. अच्छा ये है गंजे को पहले ऐसा तेल बेचो कि बाल आए, फिर लाइफ टाइम कस्टमर बनेगा. क्यों साहब, तेल का भी और कंघी का भी. अब गंजे को कंघी दे दी, अपना सर खुर्चेगा पहले, फिर तुम्हारा खुर्चेगा जब तुम दोबारा मिलोगे. सेलिंग इज सिंपल, सेलिंग इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिंग. हाउ मेनी प्रोस्पेक्ट्स डू यू मेक. मेरी आपको सजेशन है, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो पहले सुन चुके हैं उन्हें तो पता ही है. देखिए मेरी ना आदत है मैं चीज़ों को ना बड़े लाइटर तरीके से कहता हूँ.
बहुत हंसी मजाक वाले अंदाज में कहता हूं, पर मेरी सजेशन आपको यही है, उसको लाइटली मत लिया करें। मैं भी चाहूं तो कब्ज वाला मुंह बना के कह सकता हूं, है? हाँ, और कब्ज वाला मुंह बनाने से लगता है इंटेलिजेंट आदमी है, है? पर वो मेरी आदत नहीं है जी, तो आप उसको लाइटली मत लेना। सेलिंग इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। हाउ मेनी प्रोस्पेक्ट्स डू यू मेक? आप सोच के देखिए उस किसान के बारे में है जो बीज ही ना डालता और फिर फसल का इंतजार करता हो। और हिंदुस्तान जैसे देश में मैं कह रहा हूं जी प्रोस्पेक्ट्स की कमी, हर बारी मैं कहता हूं जी खड्डा खोदो बंदा निकलता है, पेड़ लाओ बंदे गिरते हैं, जहां टक्कर मारो बंदा है, प्रोस्पेक्ट्स ही प्रोस्पेक्ट्स है। सो माय सजेशन एज अ सेल्स पर्सन, आस्क फॉर इट, डू प्रोस्पेक्टिंग एंड आस्क फॉर मोर सो दैट तथास्तु हैपेंस इन योर लाइफ। आस्क फॉर इट, पूछ के देख लो, यू ऑलवेज गेन। एंड द गुड न्यूज, सेल्स के प्रोफेशन में हमेशा ध्यान रखना जी, आफ्टर स्कूल एंड कॉलेज देर इज नो फेलियर, देर इज नो फेलियर। आफ्टर स्कूल एंड कॉलेज देर इज ऑलवेज फीडबैक, यू विल ऑलवेज गेट फीडबैक। फेल नहीं होता, फेल वो होता है जो करना बंद कर देता है। जो अभी भी कर रहा है वो फेल थोड़ी हुआ है, फेल वो हो गया जो घर बैठ गया जी। अब जो रेस में है वो फेल नहीं हुआ जी। फीडबैक मिलता है आपको लाइफ से कि भाई तेरा ये पर्टिकुलर तरीका ना प्लान शो करने का ठीक नहीं है, तो फीडबैक मिला है उसको इंप्रूव कर लो। एंड देयर इज नो फेलियर। स्विच ऑन ऑफ तो पता ना आप लोगों को, जब भी स्विच ऑफ हो जाए ऑन कर लो, बंद नहीं, ऑन कर लो, ऑन कर लो, ऑन कर लो। कितनों को नहीं पता स्विच ऑन ऑफ, जिनको नहीं पता? अच्छा ओके भाई, स्विच ऑन ऑफ का मतलब ये है जब आप जोश में होते हो इसका मतलब आपका स्विच क्या है, और जब मूड खराब हो स्विच क्या है? जब मूड खराब हो तो क्या करना चाहिए? स्विच ऑन करना चाहिए, लेकिन लोग किसी और का स्विच जाके मैं आपको बताऊं सेल्स में जो एक अक्सर गलती लोग करते हैं, जैसे सपोज किसी महीने ना आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, सपोज किसी महीने जो आपने बनाया था अपने लिए टारगेट वो पूरा नहीं हुआ। अब जिसका इस महीने टारगेट पूरा नहीं हुआ उसका स्विच क्या हो गया? अब वो क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप में उसके पास जाएगा छांट के जिसका टारगेट पूरा ना हुआ हो, और अब उसके पास जाके चू चू करेगा, चू चू, और यार तेरा भी नहीं हुआ? कहता नहीं मेरा भी नहीं हुआ, चल आ जा। दोनों कबूतर चोंच मारेंगे, तू मेरे को थोड़ा सलाह डाढ़स बना, मैं तेरे को डाढ़स बना। या और कुछ नहीं, प्लान की चुगली कर लो, प्लान की चुगली कर लो, इंडिया की कर लो। ये नहीं हो सकता यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे उधर सारे कर लेते। अब ये दो देखिए, जबकि स्विच ऑन की निशानी क्या होती, अगर किसी महीने मेरा टारगेट मिस हुआ है ना, अब सारी दुनिया का तो मिस नहीं हुआ उस महीने टारगेट, जिसने अचीव किया है उसके पास जाओ, आस्क फॉर इट कि भाई तूने कैसे किया। पर हम ये सोच के अज्यूम करते हैं ये बताएगा नहीं, ये थोड़ी बताएगा ट्रेड सीक्रेट। और ट्रेड सीक्रेट है क्या इसमें? मेहनत की, उसने रोज प्लान दिखाया बस बेहतर तरीके से। पूछ के देख लो कि भाई यार हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तूने क्या किया इस महीने? पर हम सही आदमी के पास नहीं जाएंगे पूछने। पीपल कंप्लेन एट द रॉन्ग एंड, आम आदमी की दिक्कत यही है जी, दे कंप्लेन एट द रॉन्ग एंड, और फिर उनके जीवन में फिर सब कुछ गलत ही तथास्तु हो रहा है। पान वाले की दुकान के आगे खड़े होके इकॉनमी की चर्चा करेंगे, चाइना कहां पहुंच गया, जापान ने कितनी तरक्की कर ली, अमेरिका देखो, एक हमारा देश देखो, चोर है सारे, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। इनसे पूछो तुम क्या कर रहे हो, हम बात कर रहे नहीं। और वो भी किसके आगे, पान वाले के आगे, वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है वो। बस हमने वो सिगरेट खत्म करने टाइम पास करना था जी, वो हमारा हो गया सिगरेट खत्म, वंदे मातरम चलो घर। बस ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कराया जाके, कुछ नहीं करके आया, चू चू कराया। अच्छा हमारे यहाँ एक दूसरे कैटेगरी के भी होते हैं जी, ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये कैसे करते हैं, ये चाइना की तरह पीठ कर लेंगे और फिर अपने देश को कंपेयर कर लेंगे, किससे? पाकिस्तान से कर लो, कट्ठे आजाद हुए थे, आज हम कहे वो कहे, कंपेयर भी किससे कर रहा है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश जो हमने बनवाया था है? और नहीं तो श्रीलंका से कर लो, भूटान, आपको पता अभी भूटान का प्राइम मिनिस्टर आया था इंडिया,
पीछे जो एयरपोर्ट पर उतरा, जिस रूम में वेटिंग करनी थी उसने, उसमें पानी भरा होता बारिश का। तो बड़ा मीडिया में आया कि देखो जी भूटान का, भूटान का ही तो आया, कौन सा यूएसए का है। तो भूटान वाले को तो हम भी नहीं समझते कुछ है? तो अब उनसे कंपेयर कर करके खुश हो रहे हैं कि हम उनसे कितनी आगे चल रहे हैं। इनको बोलो थोड़ा पीछे इधर देख लो, चाइना नहीं इधर ही ठीक है। हमें बचपन में एक चीज और बताइए ना जी, कि अगर खुश रहना चाहते हो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, क्यों तसल्ली हो जाती है कि हमसे गए गुजरे और भी बहुत है, और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, नीचे देख लो, नीचे देख लो है। ये सब साधारण है नहीं, ये सब साधारण कामों की वजह से फिर साधारण तथास्तु हो रहा है। मेरी सजेशन आपको ये है, आज आप सब जिस भी लेवल पे हैं मैं नहीं जानता, अगले 5 साल में आप सब सेम लेवल पर नहीं हो गए, चाहे आपको भला लगे चाहे बुरा लगे, नेक्स्ट 5 ईयर्स यू ऑल विल नॉट बी एट द सेम लेवल, चाहे आप सब आज एक ही लेवल पे हो सपोज, और अगले 5 साल में जो दो चीजें हैं जो अंतर लाएंगी आपके जीवन में, वो दो चीजें हैं, अगले 5 साल में आप किस तरह की पुस्तकें पढ़ेंगे, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स विल यू रीड, नंबर टू किस तरह के लोगों की संगत में रहेंगे। लोगों का ना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लोग हमेशा अक्सर हमसे पूछते हैं मोटिवेशनल प्रोग्राम के बाद कि साहब उस वक्त तो बड़ा जोश आ जाता है जी, मन करता बस अब तो मैं ही कर दूंगा जी सब कुछ, पर 3 महीने बाद ना जी फिर वो थोड़ा वो थोड़ी मिसिंग होती जी गाड़ी है? उसका कारण एक ही है, लोग अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते एवरी डे। रोज अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, रोज स्विच करेगा जी ऑन। अब यहां तो आपने सुना जी सब पॉजिटिव, हर कोई जोश में लगा हुआ है, अब आप गए बाहर और फिर वहां तो आपको हर कैटेगरी का सॉफ्टवेयर मिलेगा, अब उसका फिर वायरल शुरू हो जाता है, अब फिर हम झूम झूम या लट्टू नहीं होता, यहां से तो जाएगा घर जाके लोट पोट। तो अगर तो ये लट्टू बम्बीरी की तरह चलाते रखना है, रीड गुड बुक्स, रीड गुड बुक्स प्लीज। जो सेल्स का आदमी किताब नहीं पढ़ रहा आज नहीं तो कल, इसने बैठना ही है, लट्टू की तरह लोट पोट होना ही है। यू गॉट टू रीड, प्लीज गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग, इससे सॉफ्टवेयर अपग्रेड रहता है। अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छे लोगों की संगत करो। अच्छा कौन है, जिसका स्विच क्या है जी, अच्छे आदमी की पहचान मैं आपको बताया था जी, विजिबल पहचान, जिसका रीढ़ की हड्डी सीधी चेहरे पे मुस्कान है अच्छा आदमी है, इसके साथ उसी कर लो। क्योंकि देखिए साइंटिफिक फैक्ट बताऊं आपको एक, आप सब लोग जरा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, मैं ये क्यों कह रहा हूं, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और इस रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए नीचे नहीं देखना है, ऊपर की तरफ देखो हल्का सा, और सोचो इस पोज में उदास हो सकते हैं आप, इस पोज में कोई देखा आपने ऐसा उदास आदमी कि मैं बहुत उदास हूं जी आज, उदास कैसे मिलेंगे आपको, झूलते हुए जी हूं। नाउ अंडरस्टैंड द की विच लॉक्स कैन ओपन ऑल्सो, द की विच लॉक्स कैन ओपन ऑल्सो, जो चाबी ताला बंद करती है वही चाबी से ताला खुलता भी है। आप देखिए जो आपको नेक्स्ट चीज में आपको भी बताऊंगा, फीलिंग और फैक्ट्स, सिर्फ इंसान के पास ये ताकत है कि वो जैसी चाहे फीलिंग जनरेट कर सकता है, जानवरों के पास नहीं है, और ये जनरेट करना ये बड़ा अननेचुरल है कि परिस्थिति गंभीर है लेकिन आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ये बड़ा अननेचुरल है, आप समझ रहे कि नहीं। लेकिन इंसान को ऊपर वाले ने ताकत दी है कि हम चाहें तो जो फीलिंग चाहें जनरेट कर सकते हैं। मेरी सजेशन यही है, जब भी स्विच ऑफ हो जाए रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, नीचे नहीं देखना ऊपर देखो, ऊपर देखो, किसी ने नो कह दिया ना पॉलिसी के लिए, स्विच ऑफ हो गया, यूं झूलने की जरूरत नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, ऊपर देखो, स्माइल के साथ विदा करो, ओके सर थैंक यू वेरी मच, आपको आदमी पॉलिसी साइन करे ना करे थैंक यू फॉर योर टाइम कहना मत भूलें, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड लेट मी टेल यू स्पेशली इन इंडिया अभी लोगों को सर्विस देनी आई नहीं है, लेकिन अगर आप किसी आदमी से मिले हैं और आपके व्यवहार के कारण आपने उस पर इंपैक्ट छोड़ा है, आज नहीं तो कल इस बीज में से फल तो लगना ही लगना है, लगेगा ही लगेगा।
मैं कह रहा हूं जब भी आप किसी के पास जाओ, पॉलिसी हो ना हो, एक चीज जरूर होनी चाहिए जी, इंपैक्ट पड़ना चाहिए उस आदमी पे, उसको इस बात का मलाल होना चाहिए गलती की यार इससे करानी चाहिए थी, कुछ ऐसा छोड़ के आओ उसके पास ऐसा इंप्रेशन कि वो याद करे। और देखिए खुद नहीं कराएगा रेफर करेगा, आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। मुझे बड़ी दिक्कत होती है अगर कोई ढंग का सेल्स का आदमी आए और हम उसको अप्लाइज ना कर पाए, अच्छा नहीं लगता जी अंदर से कि इतना मेहनती आदमी, इतना नॉलेज है इसको, इतनी जानकारियां हैं, इतने कंपैरिजन है इसके पास, और इसके साथ बिजनेस नहीं करना तो फिर किसके साथ करना है, इज इट नॉट। तो आप इतना अपने में रम जाइए, और ये कब होगा जी, जब आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे फिर होगा जी। तथास्तु, लेट्स टेक अ प्लेज, जो हमने लिखा है अपने आप को हम बताएं, वी कैन डू इट, वी मस्ट डू इट, वी विल डू इट, बिकॉज वी आर दी विनर्स। अब लिखो मत इसको, सामने लिखा तो है, जब मैं कहूं एक पहली लाइन बोलो वी कैन, ठीक है जी, लेकिन यहां से बोलो है जापानी स्टाइल में, यहां से, जब मैं कहूं टू तो वी मस्ट, थ्री वी विल, फोर वी आर दी विनर्स, राइट। और अब आप जब 100 लोग एक साथ बोलो तब तो मेरे से ज्यादा आवाज होनी चाहिए आपकी, आपको भी खुद तो माइक से बोल रहा है, चलो माइक जेब में है, आप बोलो, आर वी रेडी, वन टू थ्री फोर, वेरी गुड वेरी गुड। आप में दो लोग मैंने ऐसे देखे और खाली मुंह ऐसे ऐसे कर रहे थे, अच्छा अब बनते अपने आप को समझदार हैं ये, इनको लग रहा है मैं ना देख बेवकूफ बना रहा हूं सेमवाल को। और ईमानदारी से बताओ जी किसको बनाया इन्होंने बेवकूफ। और इस बात पे कुछ भी हो रहे कि मैं आपको बताऊं, मैंने एक प्रोग्राम करा था ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, तो वो फुल डे का प्रोग्राम था, खैर वो तो 4 बज गए जी, फर्स्ट क्लास प्रोग्राम हो रहा जी, मोटिवेशन है, लेकिन 4 बज गए, एक बंदा ऐसा बैठा था सुबह से, वो कुछ भी कर लो नो स्पार्किंग, वो पड़ा हुआ बस यूं, वो थोड़ा होता वो मुंह इधर कर ले तो थोड़ी देर में मुंह इधर कर ले, कोई स्पार्किंग ही नहीं हो रही थी। अच्छा उनकी ना उम्र थोड़ी ज्यादा थी इसलिए मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, पर 4 बजे तक तो ना फिर मेरे से कंट्रोल नहीं, मैं कहा यार ये क्या लाश बिठा रखी सुबह से है? तो इससे पहले अच्छा मुझे ना थोड़ा अपने पे भी शक हो रहा था, मैं कहा यार सेमवाल कहीं आज तेरी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि भाई बंदे में स्पार्क क्यों नहीं आ रहा है, कुछ गलती कर रहा हूं मैं, जिम्मेदारी ले रहा हूं ये। पर फिर मुझे ध्यान आया कि अगर मेरी डिलीवरी में दिक्कत होती तो ये 70 के 70 ऐसे पड़े होते, ये इकलौता ही गुरु थोड़ी होता ऐसे, तो फिर मुझे समझ आया नहीं नहीं लगता कारण कुछ और है, तो मेरा आदत है जी सवाल पूछने की, तो मैंने उन ऑटोमोबाइल इंजीनियर से ही पूछा, मैं कहा भाइयों एक बात बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपके वर्कशॉप में कोई गाड़ी ठीक होने आई, आप लोग इतने बढ़िया इंजीनियर हो, आपने बहुत मेहनत की गाड़ी पे, लेकिन फिर भी गाड़ी का फॉल्ट ठीक नहीं हुआ, कभी ऐसा होता है? तो थोड़ी देर बाद एक सज्जन ने याद आया, कहते हाँ जी होता है जी, कहते लेकिन बहुत कम होता है जी ऐसा, तो मैं कहा मेरे साथ तो रोज होता है पहले ही है, तो मैं कहा अगर आपके केस में ऐसा होता है कि बार बार गाड़ी ठीक करने पर भी गाड़ी का फॉल्ट दूर नहीं हो रहा, बार बार फॉल्ट दोबारा आ रहा है, तो आपके केस में क्या कारण होता है जी, ऐसा क्यों होता है? कहते देखो जी अगर बार बार करने से भी गाड़ी का फॉल्ट दूर नहीं हो रहा और बार बार वो फॉल्ट दोबारा आ रहा है, इसका मतलब साफ है गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जी। और कहते जी जिस गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो ना उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो कंपनी वापस ही जाती है। तो मैं कहा ओ समझ गया, मैं कहा रहने दे भाई ये भी कंपनी वापस जाके ठीक होगा। मजाक नहीं कर रहा जी, पहले ना मेरे को अब वही ना मैं धीरे धीरे मैच्योर हो रहा हूँ जी, पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था अगर कोई एक आधा ऐसा बैठा हो जिसका स्विच ऑन नहीं हो रहा या इसमें जोश नहीं आ रहा, बड़ा मूड खराब होता था मेरा, अब नहीं होता, अब बल्कि थोड़ी खुशी होती है, पता क्यों? यही तो रिपीट कस्टमर है। बस मुझे दो ही मिले हैं MDC, MDC यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट केस। एक दूसरा काम मिला
मैं ऐसी प्रोग्राम करने गया ही हूँ, अभी मैं लैपटॉप वगैरह लगा रहा हूँ। एक भाई साहब आए, कह रहे जी आप करोगे आज का प्रोग्राम? बताओ, है ना सुबह सुबह स्विच ऑफ होने वाली बात है। मैं कहा हाँ जी, आपकी कंपनी ने मुझे ही बुलाया है तो मैं ही करूँगा। कह रहा है दरअसल मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे नॉमिनेट किया है आपका प्रोग्राम अटेंड करने को। मैं कहा ओ भाग्य हमारे जी आप। तो मैं कहा कर लो जी, अटेंड कर लो। अब उस कंपनी में ना एक सिस्टम है, तो उस कंपनी के जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं ना, जब वो ट्रेनिंग लेने आते हैं, उनके पास ना एक ट्रेनिंग पासपोर्ट होता है, एक किताब होती है जिसमें उस ट्रेनर का नाम, कौन सी ट्रेनिंग ली थी, डेट क्या थी, ट्रेनर के साइन, तो उसके बेसिस पे उनकी प्रमोशन वगैरह होती है। तो उन्होंने अपना ट्रेनिंग पासपोर्ट मुझे दिखाया, कहते जी जरा आप ये देख लो। मैंने ये देखा कि आपने आज से पहले 52 ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं, 52। और मैं कहा जिन ट्रेनर से किए हैं अटेंड, वो ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो मैं कहा जी बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आपने ऐसे ऐसे धुरंधरों का प्रोग्राम अटेंड किया है। पता क्या कहता है? कहता जी ये तो आपने देख लिया, मेरी बात सुनो, 52 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, 52, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं कहा चल अच्छा, इसने सुबह सुबह ही बता दिया कि इस पर काम करने की जरूरत नहीं, ये कंपनी वापस जाके ठीक होगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी देखो आपकी कंपनी ने मुझे बुलाया है तो प्रोग्राम तो कर ही लेते। कहते हाँ हाँ कर लो। तो मैं कहा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ना बिल्कुल कोने की सीट पकड़ लो एंड में। और मैं कहा मैं सारा दिन आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा जी, पंगा लेना। और मैं कहा मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी ना मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना प्लीज। मैं कहा क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके किसी ऐसे सवाल का जवाब मेरे पास होगा जो पिछले 52 धुरंधर के पास नहीं था। तो खैर सारा दिन प्रोग्राम अच्छा हुआ, वो भी काफ़ी जोश में लगे रहे। अब शाम को फिर मेरी बारी थी, मैं कहा लाओ जी साइन तो मैं भी कर ही दूँ। कहते हाँ हाँ कर दो। तो मैं कहा सर आपकी कंपनी तो प्रोग्राम कराती रहेगी। कहता हाँ जी कराती रहेगी। तो मैं कहा आप जो नेक्स्ट ट्रेनर आएगा ना उसको भी बता देना कि अब आप 53 कर चुके हो। तो कुछ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो ना उल्टे घड़े की तरह होते हैं, कितनी बारिश हो जाए सूखा, ऐसे सीधे हैं तली में छेद है, जितनी बारिश सब बार। तो एक बार फिर जयकारा हो जाए जी, तैयार हो? लेकिन अब की बारी एक्शन के साथ। ओके आर वी रेडी? 1, 2, 3, 4। वेरी गुड वेरी गुड। बैठो बैठो। अपने आसपास चेक किया था तो नहीं कोई? लेट्स डू इट अगेन। आर वी रेडी? 1, 2, 3, 4। वेरी गुड विनर, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। नेक्स्ट प्लीज। फीलिंग्स वर्सेस फैक्ट्स। फॉर एवरी गुड सेल्स प्रोफेशनल, उसको ये बात ढंग से समझ में आनी चाहिए कि ये इकलौता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बार बार फीलिंग्स जो है ना लो होती है। हु इज नॉट चार्जिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ डेली इज बाउंड टू बिकम मिजरेबल। तो अगर तो आप इसमें तरक्की करना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, तो रोज अपनी चार्जिंग करनी बड़ी जरूरी है, 1 घंटा। कैसे करनी है लिख लीजिए, 20 मिनट्स रीडिंग इज अ मस्ट मिनिमम। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए आदमी उस प्रोफेशन में तरक्की पे पहुंच जाए। सेल्स में कैसे पहुंच जाएंगे आप? अनलेस यू रीड। रीड 20 मिनट्स मिनिमम है, मैक्सिमम आपके पास जितना समय हो, मिनिमम 20 मिनट्स यू मस्ट रीड। अच्छी किताबें आप पूछ लीजिएगा, आपको कुलवंत जी जरूर सजेस्ट कर देंगे अच्छी पुस्तकें, बट रीड गुड बुक्स। अच्छा मैंने जो आज आपको बताया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे तथास्तु बताया अंग्रेजी में, इस पर एक किताब है अंग्रेजी में द सीक्रेट, रीड दिस बुक, अमेजिंग बुक। ये आपको तथास्तु की सारी फिलॉसफी पता चल जाएगी, बड़ी डिटेल में बताया गया उस किताब में। इसके अलावा एक और किताब है पढ़िए, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड, एन अमेजिंग बुक। किसी भी सेल्स के आदमी के लिए जो उसकी पहली क्वालिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए वो क्या है? द बेस्ट क्वालिटी और द फर्स्ट क्वालिटी एवरी सेल्स पर्सन शुड हैव, व्हाट इज दैट? धैर्य। धैर्य तो होना ही चाहिए, और कुछ?
स्माइल ऑन फेस, बस जेंडर और सिचुएशन देख के। हाँ नहीं तो इंडिया है या बैकफायर भी करती है। हाँ और क्या है? हाँ जी, ड्रेस कोड। अच्छा ड्रेस कोड भी ना देखो, एक थोड़ा ध्यान रखो जी, ड्रेस कोड ना ज्यादा फ्लैशी बना के जाना भी कई बारी आपके अगेंस्ट काम करता है। इज इट नॉट? सो यू गॉट टू बी केयरफुल, यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस, यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस एंड यू नीड टू जनरेट पॉजिटिव फीलिंग्स। 20 मिनट मिनिमम किताब पढ़ना रोज जरूरी है। नंबर टू, 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज अ मस्ट फॉर एवरी गुड सेल्स पर्सन। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, किसी भी प्रोफेशनल के लिए जो सबसे खतरनाक चीज हो सकती है वो पता क्या है? जब वो अपने कैरियर के बिल्कुल पीक पे हो और उसकी हेल्थ खराब हो जाए। क्या करोगे उस बैंक में 2.5 लाख रुपए के चेक का अगर अस्पताल में देना हो तो? नहीं, माय सजेशन, 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज अ मस्ट। सारी मेहनत, ये जो हम कभी कभी कहते ना, ओ यार काम के चक्कर में ध्यान नहीं रहा, वो वही वाली बात है कि एक आदमी गाड़ी चलाते हुए कह रहा हो मैं जल्दी में हूं, पेट्रोल नहीं डलवा सकता। हाँ, जब खत्म हो जाएगी धक्का लगाएगा, फिर सरकार को दोष देगा पेट्रोल पंप नहीं है। हाँ मतलब पता नहीं चला सरकार को कि कहाँ तेरा पेट्रोल खत्म होना था, वहां पंप बनवा देती क्या था। जैसे आपको पता ना जी, हिंदुस्तान, ये हमारा इंसान जो है पैदाइशी सुस्त प्राणी है। सबसे सुस्त प्राणी कौन है जी? इंसान। सिर्फ इंसान का बच्चा है जो 9 महीने तक तो चलता ही नहीं है। और कोई है ऐसा जो 9 महीने लगाता चलने में? और कई तो 9 महीने चलते हैं, 1.5 साल हो गया, रिक्वेस्ट हो रही है कि प्लीज चल यार, पड़ोसी का कम से चल रहा है तो चलते ही। पैदाइशी सुस्त प्राणी है जी इंसान, पैदाइशी, कुछ करना नहीं चाहता है। मेरी सजेशन यही है, सुस्ती ना करें, पेट्रोल डलवाते रहो, मेंटेनेंस करते रहो अपनी समय समय पे, नहीं तो ब्रेक डाउन आएगा। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि यार फिर मैंने ये कमाई किस लिए की? रात दिन भाग दौड़ के डॉक्टर को ही देना था, मैं ही बन जाता डॉक्टर। मजाक नहीं कर रहा जी, बड़ा दुख होता है कई बार जब आदमी की सारी जिंदगी की कमाई अस्पताल में जाती है। स्पेंड मिनिमम 20 मिनट्स फॉर योरसेल्फ ऑन योर फिजिकल एक्सरसाइज, और कुछ नहीं, जॉइंट रिलीज कर लिया करो। सारा जो स्ट्रेस है ना वो ब्रेक्स में होता है, जॉइंट्स में होता है, तो इसको थोड़ा रिलीज कर लो तो कम से कम यही बहुत है आपके लिए। 20 minutes of physical exercise. And third thing which every salesperson should do, 20 minutes of visualization. 20 minutes of visualization. Visualize yourself. जो मैंने आपको अगले 3 साल के लिए आज कराया, रोज करो, रोज करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सोच के तो देखो, क्या पता तथास्तु हो जाए। 20 minutes of visualization daily. हाँ शर्मा जी, हाँ डेली आंख खोल के करनी है। हाँ कई लोग वो सोचते हैं मैं रात को करूंगा आंख बंद करके विजुलाइजेशन, रात वाला नहीं करना जी, दिन में 20 मिनट्स ऑफ विजुलाइजेशन डेली। आपने उसका नाम सुना है, जिम कैरी। उसने क्या किया जी, जब उसको कोई रोल नहीं मिलता था, उसने अपने आप को खुद ही एक चेक लिखा $10 million का, खुद को खुद ही चेक लिखा है $10 million और साइन कर दिया जी खुद ही कि ये मेरे को मिलेगा, और उस पर डेट डाल दी 4 साल बाद की। ठीक है, 4 साल बाद मुझे $10 लाख मिला करेंगे एक्टिंग करने के, और 4 साल से पहले उसको मिलने लग गए थे। विजुअलाइजेशन, 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग एंड 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, उससे क्या होगा जी, आपकी फीलिंग्स जनरेट रहेंगी।